छठा क्लास के लोग हैं ना इसमें? थोड़ा हाथ उठाइए तो देखें, बहुत सारे लोग हाथ गिराइए। अच्छा, छठा क्लास में जो टॉप करने वाला उसको क्या इनाम मिलेगा? सातवां क्लास को क्या मिलेगा? और आठवां क्लास को? अच्छा, नाइन्थ वाला को क्या मिलने वाला है? और टेंथ वाला को? लैपटॉप। अभी आप मेरे पीछे कैमरा में जिस सैकड़ों बच्चों को देख रहे हैं और बच्चियों को देख रहे हैं, ये लोग जो हैं, इन लोगों को हम कुछ लोगों को साइकिल देने वाले हैं, कुछ लोगों को लैपटॉप देने वाले हैं और बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको एक साल तक की पढ़ाई भी हम अपने पॉकेट से भरेंगे और कलम कॉपी किताब दे करके बच्चों को पढ़ाएंगे। अब आप सोचते होंगे कि आखिरकार लैपटॉप कैसे देंगे, साइकिल कब देंगे, क्यों देंगे, कैसे देंगे, इसके बारे में आप जानिए। मात्र 100 सवाल का जवाब, 100 सवाल का सटीक जवाब जो बच्चा देगा, उसमें से किस लोगों को, कुछ लोगों को हम साइकिल देंगे, कुछ लोगों को लैपटॉप देंगे और कुछ लोगों को जो है एक साल तक की पढ़ाई का फ्री में हम पढ़वाएंगे और उसमें कलम कॉपी किताब भी हम मुफ्त में देंगे। ये सब कैसे होगा, अब आइए हम आपको पूरी जानकारी जो है विशेष चर्चा करके बताते हैं। हम लोगों ने एक एग्जाम ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम ही था, क्या नाम था जी? एग्जाम वाला। बच्चे ही बता रहे हैं कि हम लोग जो एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज किया था उसका नाम क्या था? एग्जाम वाला। एग्जाम वाले का सिस्टम है कि इसमें 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास 10 क्लास तक के बच्चों को फॉर्म भरवा करके इसमें एग्जामिनेशन में हम लोग शामिल किए। परीक्षा पिछले रविवार को किस किस क्लास का हो गया था? 9th और 10th का पिछले रविवार को हो गया था। और आज जो रविवार है, मतलब आज जो 14 जनवरी है, 14 जनवरी के दिन 6ठा, 7वां और 8वां क्लास के विद्यार्थियों को एग्जामिनेशन में बुलाया गया। बजाबते सबका एडमिट कार्ड था, सबको रोल नंबर पता था ना अपना अपना, रोल नंबर भी पता था। इधर लड़की लोगों का लाइन है। करीब करीब आज एग्जाम में जो है 400 बच्चों को एग्जाम अटेंड करना था, जिसमें से मैं लगता है कि 10% जो बच्चे हैं शायद किसी कारणवश अब्सेंट हो गए, आ नहीं पाए। फिर भी इतने की तादाद में दिखाइए, इतने सारे लोग जो हैं एग्जाम देने के लिए दूर दराज से चल करके 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर से आए। सामने ही लोगों के गार्जियन लोग हैं जो बच्चों को लेकर के एग्जाम दिलवाने के लिए आए। एग्जाम क्यों हो रहा है इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए, ये सभी जो हैं पुजारी मीडिया नेटवर्क के टीम के लोग हैं, या जितने भाई साहब को देख रहे हैं, सभी लोग एग्जाम को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। हमारे मित्र रवि भाई हैं, परमानंद भाई हैं, अविनाश हैं, ये सभी लोग हैं, सब लोग एग्जाम करवाए, इनसे भी बात करवाएंगे। उससे पहले इन पे चर्चा करते हैं। अच्छा, छठा क्लास में, छठा क्लास के लोग हैं ना इसमें? थोड़ा हाथ उठाइए तो देखें, बहुत सारे लोग हाथ गिराइए। अच्छा, छठा क्लास में जो टॉप करने वाला उसको क्या इनाम मिलेगा? सातवां क्लास को क्या मिलेगा? और आठवां क्लास को? अच्छा, नाइन्थ वाला को क्या मिलने वाला है? और टेंथ वाला को? लैपटॉप। ये हम लोग एग्जाम में जो टॉप करेंगे हर क्लास के, 6ठा, 7वां, 8वां के बच्चों को एक एक साइकिल और 9th, 10th क्लास के बच्चों को एक एक लैपटॉप इनाम देंगे। और बाकी 6ठा क्लास से कितने लोगों को फ्री में पढ़ाना है जी? चार। कितने लोगों को? चार की तीन? तीन। 6ठा क्लास से कितने लोग फ्री में पढ़ेंगे एक साल? 7वां क्लास से? और 8वां क्लास से? 3। ये सबको पता है। हम लोग हर क्लास से चार चार बच्चों को चुनेंगे, एक को साइकिल इनाम दे देंगे और बाकी तीन को जो है अगले एक कक्षा की पढ़ाई पुजारी मीडिया नेटवर्क और एग्जाम वाले की जो पूरी टीम आप देख रहे हैं, हम लोग ऑर्गेनाइज करके बच्चों को एक साल फ्री में पढ़वाएंगे। कलम कॉपी किताब का भी पैसा देना हम लोग ही, मतलब लिए हैं कि हम लोग ही देंगे। बाकी बच्चे अब एग्जाम पे कुछ चर्चा करें, तैयार हैं आप लोग? यस सर। अच्छा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आप लोग का आया था, आपके सिलेबस के अंदर से था कि बाहर से था? अंदर से था। क्वेश्चन आसान था कि हार्ड था? लड़की लोग से बात करता है, चूंकि लोग झगड़ा करने में ज्यादा फास्ट होती है। अच्छा, आप लोग का क्वेश्चन कैसा आया था? आवाज नहीं आ रहा आप लोग का? देखिए, सब लोग हमारी छोटी बहन के समान है, है ना जी? हम आपके भाई हैं कि नहीं है? एक प्रयास हम लोगों का है कि हम लोग जिस काम को नहीं कर पाए वो काम कम से कम आप लोग करें। अच्छा, ऐसा एग्जाम इससे पहले कभी दिए थे आप लोग जिसमें रोल नंबर हो, जगह पे बैठना है, दूसरे के जगह पे दूसरा नहीं बैठा गया, ऐसा हुआ था कभी? नहीं हुआ था। अच्छा, कुछ सीखने के लिए मिला कि नहीं मिला? क्या जीतना है आप लोगों को? क्या जीतना है? क्या जीतेंगे? छठा वाला लोग क्या जीतेंगे? सातवा वाला लोग? आठवा वाला लोग? ये लोग जो है साइकिल जीतने के लिए आए हैं। अच्छा, इसमें से कौन कौन है जो चाहते हैं कि हम साइकिल जीते? हाथ उठाइए। साइकिल जीतना कौन कौन चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं। देखिए, सब लोग चाहते हैं कि हम साइकिल जीते। अच्छा, लड़का लोग बताइए, आप लोगों में से कौन चाहता है कि साइकिल जीत के यहाँ से ले जाए?
गिराइए गिराइए, सब लोग चाहते हैं। अच्छा कोई ऐसा भी है जो चाहता है कि ए, कोई ऐसा भी है जो चाहता है कि हमको कुछ नहीं जीतना है, ऐसा कौन है जी? हाथ उठाइए। तो ऐसा कोई नहीं है, सब चाहता है कि हम साइकिल जीते। अच्छा रवि भाई, इस एग्जाम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हमें लगता है कि इस क्षेत्र में इससे पहले कभी हुआ था कि नहीं हुआ था, इस पे बताइए आप। देखिए ऐसा तो होना चाहिए था बहुत ही पहले, लेकिन हुआ नहीं। और माना जाता है कि देश का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, और आप आवाज नहीं। बहुत ही अच्छा प्रयास है पुजारी मीडिया नेटवर्क का, ये तो हम इसके लिए पुजारी मीडिया नेटवर्क को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आगे भी ऐसा प्रयास जारी रखे पुजारी मीडिया नेटवर्क, हर साल होगा इस तरह का। धन्यवाद। बाकी आप लोग भी सपोर्ट किया, क्या लगा ऐसा एग्जाम इससे पहले कभी हुआ था? कैसा लगा एग्जाम लेके? बहुत बढ़िया लगा, बहुत शानदार लगा। क्वेश्चन में बच्चे आराम से बना रहे थे कि नहीं बना रहे? एकदम आराम से बना दिए। अरे एक घंटा आधे घंटे पहले ही बना के बैठ गया था बच्चा लोग, आधा घंटा पहले। अच्छा आप तो कंपटीशन का खुद ही तैयारी करते हैं, बेहतर तरीके से क्वेश्चन को जाने, कैसा लगा एग्जाम दे? बहुत अच्छा लगा, मतलब यही देख के बच्चा सब सीखेगा कि हाँ आगे जाके हमको कैसे पढ़ना है, कैसे जाके एग्जाम देना है। एग्जाम देने जाने से पहले जैसे जैसे रोल नंबर कैसे आएगा, कहाँ आएगा, कहाँ सीट रहेगा, सब कोई मतलब पहले बता नहीं पाता है। इसलिए बच्चा सब अभी दसवां से नीचे छठा सातवां आठवां नौवां दसवां से है ना, जो पहले देख लेगा तो बाद में उसको मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आगे जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो। जैसे हम लोग जाते हैं तो बाद में मतलब देखते हैं कि इधर उधर पता कुछ ना चल पाता है। यहाँ जो गांव के माहौल में रहते हैं हम लोग, तो शायद सपोर्ट सब चीज नहीं मिल पाता है। हम लोग तो जो बाहर रहेगा वही मतलब सब कुछ मतलब बाहर का पता चलेगा हर एक चीज। गांव के जो मतलब जितना भी बच्चा है यहीं से सीख के जाएगा, तभी जाके बाद में आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वहां बढ़ने के बाद सीधे जाके सफल होगा। यहाँ दिनकर कुमार गौतम जी, कैसा लगा एग्जाम देकर? बहुत मेहनत किए बेचारे अभी जी, बहुत हुआ। और इस एग्जाम में बता दें कि जो बच्चों की उत्सुकता थी वो काफी ज्यादा थी, और गार्जियन का भी, गार्जियन का भी, क्योंकि इतना कड़ाके की ठंड में आ जाना एग्जाम देना और इतना मतलब खुशी से अभी तक हमने नहीं देखा था। और एक जब पेपर जमा कर रहे थे उस समय बच्चों का एक ही सवाल था कि रिजल्ट कब तक, रिजल्ट कब आएगा। चलिए अब रिजल्ट पे बात होगा। अच्छा आप लोग अब शांत हो जाइए। आप लोग सब लोग चाहते हैं कि आपका रिजल्ट कब आया, जानना चाहते हैं ना? देखिए आपका एग्जाम हो गया, अब आप लोग का कॉपी चेक का जो प्रक्रिया वो शुरू हो गया आज से ही। हमको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा एक सप्ताह, मतलब अगला संडे आएगा उस समय तक आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट कैसे आप जानेंगे इसके बारे में जानिए। जितने भी लोग, लड़की लोग को आवाज आ रहा है, जितने भी लोग एग्जाम वाला में, शांत होइए शांत होइए शांत होइए तब ना सुनेंगे। जितने भी विद्यार्थी एग्जाम वाले का फॉर्म भरे एग्जामिनेशन देने हैं रिजल्ट के लिए, आप लोगों को फिर एक बार इसी जगह पे आना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था कि आपको दो बार समय देना है, एक बार एग्जाम देने के समय और एक बार रिजल्ट लेने के समय। बोले थे कि नहीं बोले थे? फॉर्म भरने से पहले पूरा क्लियर कट था कि आपको दो को संडे हम लेंगे, एक संडे को दिन आप एग्जाम दीजिएगा और दूसरे संडे के दिन क्या होगा, रिजल्ट होगा। रिजल्ट के दिन भी आप सभी लोगों को इसी जगह पे आकर के एकत्र होना, रिजल्ट का जो डेट होगा, जो दिन होगा, उसकी घोषणा कॉपी चेक होने के एक उस दिन ही हम लोग कर देंगे। रिजल्ट देने से दो दिन पहले आपको जानकारी, जैसे एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड आप लोगों को मिला ना, रोल नंबर पता चला ना, वैसे ही हम लोग डेट बता देंगे कि इस तारीख को रिजल्ट आएगा आपका। और रिजल्ट के दिन भी आप सभी लोगों को अपने गार्जियन को बुला करके, क्योंकि इसमें से कौन होगा जो साइकिल जीतेगा कोई जानता है ना? आप जानते हैं ना हम जानते हैं। आपका पूरा तकदीर जो है अब झोला में क्या हो गया, बंद हो गया। अब झोला खुलेगा, उसमें से देखा जाएगा कौन वो विजेता होगा जो साइकिल जीत के ले जाएगा। तो रिजल्ट के दिन आप सभी लोगों को अपने अपने गार्जियन के साथ में, सुन रहे हैं लड़की लोग, अपने गार्जियन के साथ रिजल्ट सुनने भी आप लोगों को फिर यहीं पे आना है। समझ गए बात को? एक सप्ताह समय लगा, एक सप्ताह के अंदर में आप लोगों का रिजल्ट जो है, कोशिश रहेगा कि एक सप्ताह के अंदर में रिजल्ट आप लोगों को दे दिया जाए। तैयार हैं आप लोग? अच्छा एग्जाम दे के कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग एक पुजारी मीडिया से क्या जीतना चाहते हैं? कौन कौन जीतना चाहता है? बाप रे बाप, लड़की लोग को भी दिखाइए, ये लोग भी आ गया इस रेस में जीतने के लिए बोलता है। क्या अब बताइए, ये सब बॉस जीतना चाहता है। अच्छा इसके बाद एग्जाम होगा ना, तो उसमें और बड़ा इनाम हम लोग रखेंगे, ठीक है? चलिए देखिए, एक छोटा सा प्रयास था जो हमारे टीम के तरफ से ये किया गया बच्चों का एग्जाम लेकर के। बाकी इस बात, बाकी इस वीडियो को देख के आपका विचार क्या होता बताइएगा। और वीडियो को देखने वाले और हमारे जितने भी मित्रगण हैं जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, विनती है आप लोगों से कि आप लोग भी जिस दिन रिजल्ट हम लोग देंगे उस दिन आप इस प्रांगण में जरूर आइए, हम आपको न्योता देंगे, बजाते आप आइए और इस चीज़ को आप अपने चैनल पर भी जरूर दिखाइए। जय हिंद।